पिछली बार ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम में लगता है शिप में अपनी अलग इच्छा जाग गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये प्रोजेक्ट आइकॉन के डेटाबेस के कोड्स भी अच्छी तरह और तेजी से सुलझा रही है। कुछ भी करो लेकिन इस शिप को किसी भी तरह अपने काबू में करो। आइकॉन डेटाबेस को डाउनलोड करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। ये वॉरशिप मैनहट्टन क्यों जा रही है? आइकॉन के रेलिक सदियों पहले अर्थ पर आए थे, तब उस शहर का वजूद भी नहीं था। एजेंट फाउलर, अब तक सिर्फ इतना ही डाउनलोड हो पाया? जल्दी भागो, चलिए उठिए एजेंट फाउलर। भले हमें आइकॉन डेटाबेस की जानकारी मिल गई हो, लेकिन हमारे पास भी वही 4 कोऑर्डिनेट्स हैं जो डिसेप्टिकॉन्स के पास भी हैं। हमें जल्द ही कुछ करना होगा। अगर मेगाट्रॉन के पास भी वही कोऑर्डिनेट्स हैं, तो वो उन तबाही मचाने वाले हथियारों को जल्द ही हासिल करने की कोशिश करेगा। अगर हम चाहते हैं कि आइकॉन रेलिक्स डिसेप्टिकॉन्स के हाथ ना लगे, तो हमें मिलकर नहीं, अलग अलग होकर काम करना होगा। लेकिन ऑप्टिमस, हम पहले ही बहुत कम हैं, इसलिए वो हम पर हावी हो ही जाएंगे। इन हालात में हमें बड़ी होशियारी से काम करना होगा। रेलिक्स की ये दौड़ हम किसी भी कीमत पर हार नहीं सकते। चारों कोऑर्डिनेट्स पर अलग अलग टीम्स को भेजने से हम सबको एक साथ हासिल कर पाएंगे। लॉर्ड मेगाट्रॉन, पहले कोऑर्डिनेट्स के लिए जो माइनिंग डिटेल्स चाहिए थी वो हमें मिल गई हैं। ब्रेकडाउन और मैं पहले भी आइकॉन रेलिक्स हासिल कर चुके हैं। मेरे बहादुर दोस्त की याद में मैं फिर से उसे हासिल करना चाहूंगा। ये एक मिशन है, तुम्हारा कोई रेसिंग गेम नहीं। बकवास बंद करो और जल्दी जाओ, और कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। आई बात समझ में? हाँ, समझ में आ गई लॉर्ड मेगाट्रॉन। क्योंकि ब्रेकडाउन के साथ के बगैर तुम पर हमला करना आसान हो गया है, इसलिए मैं तुम्हें नया साथी दे रहा हूँ। तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? अजीब बात है, लगता है डिसेप्टिकॉन्स ने मैनहट्टन जाने का इरादा बदल दिया है। वो वहां नहीं जा रहे? मुझे यकीन है कि मेगाट्रॉन दूसरे कोऑर्डिनेट्स को हासिल करने जा रहा है। उसने पहले अंडरग्राउंड रेलिक को हासिल करने के लिए किसी को भेज दिया होगा। वो बिना कोई नुकसान किए उसे हासिल करेगा? वो सबवे टनल्स का इस्तेमाल करेंगे। न्यूयॉर्क शहर के नीचे बहुत सारे टनल्स हैं। इंसानी आबादी पर जो खतरा मंडरा रहा था वो शायद टल गया है, इसीलिए हमें भेज बदल कर जाना होगा। आसी, बम्बलबे, तुम भीड़ भाड़ में काम करने में माहिर हो, इसलिए तुम दोनों वहां जाओगे। ऑप्टिमस, न्यूयॉर्क में 80 लाख से ज्यादा लोग हैं, इसलिए मुझे लगता है कोई ना कोई वहां इनके असली रूप में देख ही लेगा, जब ये अंडरग्राउंड होंगे तब भी। तुम कहना क्या चाहते हो? आपको इस मिशन के लिए एक चेहरा चाहिए, कोई ऐसा जो बात को संभाल सके, क्योंकि अगर ये पकड़े गए तो एक इंसान ही उनसे बात कर पाएगा। मैं कई बार सबवे स्टेशन में जा चुकी हूँ। मैं बड़े शहरों में ही पली बड़ी हूँ, उनकी तरह नहीं जो कभी जैस्पर नेवाडा के बाहर ही नहीं गए हो। मैं साइबरट्रॉन जा चुका हूँ। साइबरट्रॉन पर सबवेज नहीं होते? होते हैं क्या? एजेंट फाउलर का तजुर्बा इन हालात में बेशक काम आएगा। अब मैं पुलिस बनूंगा। डिसेप्टिकॉन की वॉरशिप पर इन्हें जो झटका लगा था उसका असर अब तक नहीं गया है। पर हम तो ठीक ठाक हैं, हमें तो कुछ भी नहीं हुआ। चलो ठीक है, मीको और जैक तुम आरसी और बम्बलबी के साथ जाओगे। यस। इन्हें वहां भेजो और बचे हुए 3 रेलिक्स के कोऑर्डिनेट्स का पता करो।
पेट्रॉन नहीं है। अब बताओ हम जमीन के नीचे कैसे जाएंगे? सबकी नजरों से बचकर नीचे जाने के लिए कोई रास्ता ढूंढना होगा। ये देखो कंस्ट्रक्शन, बड़े शहरों में ऐसा होता रहता है। बम्बलबी रुक जाओ, ये तीसरी पटरी है, इस वाली में इलेक्ट्रिसिटी होती है जो सबवे ट्रेन्स को पावर देती है। उसे छुआ तो तुम गए, जोर का झटका लगेगा। तुम पहले इलेक्ट्रिशियन थे क्या या ये सब टीवी से सीखा? ये काम जल्दी खत्म करो, मुझे डर है कि यहाँ की ह्यूमिडिटी की वजह से कहीं मुझे जंग ना लग जाए। अब सर पे क्यों खड़े हो? क्या कुछ पता चला? कोऑर्डिनेट्स का पता लगाना अलग बात है और इस भूल भुलैया में उस तक पहुंचने का रास्ता ढूंढना अलग बात। ड्रिलिंग। आवाज इस तरफ से आ रही है। मीको, मीको तुम्हारी दोनों वहीं रुक जाओ। अब ये क्या है? तुम दोनों बच्चे यहाँ क्या कर रहे हो? हम अपने स्कूल की तरफ से फील्ड ट्रिप पर आए थे पर हम खो गए। ओ तो ये बात है। मैंने इससे कहा था कि सबके साथ ही रहो लेकिन लियोनार्ड जिद करने लगा कि चलो चलकर फॉसिल ढूंढते हैं। गलती हो गई। मुझे घर जाना है, क्या आप हमारी मदद करेंगे मिस्टर वोगल? तुम मुझे सिर्फ वोगल बुला सकती हो। तो तुम दोनों कभी स्वीपर ट्रेन पे बैठे हो? जाना होगा। इस हिस्से को 1930s में जोड़ा गया था ताकि लोगों को और ट्रेन्स मिल सके। क्या बात है। इन टनल्स में कई राज भी छुपे हैं। यहाँ पर अजीबोगरीब जीव भी रहते हैं, बड़े बड़े सांप, खतरनाक मगरमच्छ और मोल मैन भी। लेकिन मैंने सुना है कि यहाँ नीचे सिर्फ वो लोग रहते हैं जिनके पास अपना कोई घर नहीं होता। ये सब मीडिया की फैलाई हुई अफवाहें हैं, लेकिन मैं जानता हूँ वो स्पेस से आए हैं। बाय बाय। सच कहूं तो इस जगह को कोई अच्छी तरह से जानता ही नहीं है। यहां पर जो एलियंस हैं, वो खुद की फौज बना रहे हैं और इंसानों को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। एलियंस हाँ? जिसे हम कुछ जानते ही नहीं। मुझे एक सिग्नल मिल रहा है, डिसेप्टिकॉन्स रेलिक तक पहुंच गए हैं। चलो मुझे देखने दो क्या मिला है। हटो। तैयार हो जाओ। क्या रहे हो? जाओ। मैं रेलिक लाती हूं। तुम काफी अच्छी दिखती हो लेकिन अफसोस आज के बाद तुम्हारा हसीन चेहरा देखने लायक नहीं रहेगा। ये किक कैसी थी?
ये झटका कैसा लगा? किस तरफ? तुम्हें कैसे पता? मीको, पहले मुझे सोचने दो। क्यों? क्योंकि तुम्हें लगता है मैं हमेशा गलत ही हूँ? मैं हूँ जैक। ऑप्टिमस ने साइबरट्रॉन जाने के लिए मुझे चुना था, इसलिए मैं सब कुछ जानता हूँ। अच्छा मीको, ये बात है। अगर तुम्हें यही बात परेशान कर रही थी तो तुमने पहले क्यों नहीं कहा? बस मैं पहले बोल नहीं पाई। हमेशा तो तुम बहुत कुछ बोलती हो। देखो, ऐसा नहीं है कि तुमने कुछ नहीं किया। अब कल ही की बात है जब तुमने डिसेप्टिकॉन की भयानक वॉरशिप में हमारी मदद की थी। ये कॉम्पिटिशन नहीं है। हो गए हो, हाँ? अब तुम दोनों अपनी सारी झूठी कहानियां न्यूयॉर्क पुलिस को समझाना, समझे? लगता है सच बताना ही पड़ेगा। ठीक है, सच ये है कि हमारा डॉगी खो गया है। मैं बातों में नहीं आऊंगा। असली सच बताओ, हम कुछ एलियंस को यहाँ से एक ताकतवर रेलिक को ले जाने से रोकने आए हैं, जिससे वो हमारे प्लैनेट को पूरी तरह तबाह कर सकते हैं। मैंने भी थोड़ी देर पहले कुछ अजीब आवाजें सुनी थीं, और आज तो ट्रैक 5 पर ड्रिलिंग का काम भी नहीं हो रहा। अब देखें कि ये क्या है और असल में क्या कर सकता है, और इसकी ताकत जानने के लिए हम इन पर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। मोलमैन, वो भी लोहे का? ये दरअसल डिसेप्टिकॉन्स हैं। और आरसी और बम्बलबी उनके कब्जे में है। वॉगल, इसमें एक और गियर है कि नहीं? बिल्कुल है, ये लो, डाल दिया गियर। ऐ, देख कर नहीं चला सकते। जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन जाना पड़ेगा। रेलिक का पीछा करो, मैं जैक और मीको को बुलाती हूँ। ये क्या हो गया? लगता है ब्रेक की लाइन टूट गई है। हम इसे रोक नहीं सकते? कोई बात नहीं, ये ट्रैक्स मीलों दूर तक फैले हुए हैं, है ना? लेकिन ये वाला नहीं। यानी हम डेड एंड पर पहुंचेंगे और हम खत्म? नहीं, मुझे इतनी जल्दी नहीं। ये क्या था? अर्थ पर तुम्हारा स्वागत है। वोगल, नहीं, ये विलेन नहीं, हीरोइन है। आरसी, ब्रेक फेल हो गया है। किसी तरह का इमरजेंसी हैंडल तो होगा। नहीं है मैम, लेकिन आगे जाकर एक स्विच है जो ट्रैक बदल देगा। आप उसे खींच देंगी तो काम बन जाएगा। आप उसे देखते ही पहचान जाएंगी, वो हमें दूसरे ट्रैक पर डाल देगा। ये क्या, ये तो मोटरसाइकिल में तब्दील हो गई।
और अब ये कौन है? मुसीबत। जरा देखो तो मेरे साथ कौन खेलने आया है। कैसा लगा ये झटका? फिर भी हमें इसे रोकने का कोई ना कोई तरीका तो ढूंढना ही होगा। दे दो मुझे। टकराए कैसे नहीं? फेज शिफ्टर, इसे सॉलिड ऑब्जेक्ट्स में से गुजरने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नहीं, नहीं! तुमने मेरा चेहरा बिगाड़ा, मैं तुम्हारा बिगाड़ूंगा। ये सब जानता है, क्या इसे भी साथ ले जाना होगा? कहाँ? मदरशिप पर? मेरे ख्याल से उसकी जरूरत नहीं। बहुत अच्छे सोल्जर, जल्दी काम खत्म करो और वापस लौट आओ। फाउलर बोल रहा हूँ। मिको, क्या बात है, ये क्या बोल रही हो? मैं यहाँ जरूरी काम कर रहा हूँ और तुम चाहती हो कि मैं... ठीक है, उसे फोन दो। मिस्टर वोगल,
मैं यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट का स्पेशल एजेंट विलियम फाउलर बोल रहा हूँ। आज से तुम एक जाबाज एजेंट हो, वो भी डिपार्टमेंट ऑफ इंटरस्टेलर रिलेशंस के, समझे? थैंक यू सर। तो तुम लोग टच में रहोगे ना? बिल्कुल रहेंगे एजेंट वॉगल, लेकिन सिर्फ तभी जब फोन पर बात करना पूरी तरह सुरक्षित होगा। मुझे आप पर गर्व है। बड़ा अच्छा आइडिया था सच में। मैं बड़े शहरों के उन लोगों को अच्छी तरह जानती हूँ जो गहराइयों में रहते हैं। एक रिलिक तो मिल गया, 3 बचे हैं। उम्मीद है दूसरी टीम उन्हें हासिल कर पाएगी। रोबोट्स जो व्हीकल बन सकते हैं,